नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कोविड 19 वैक्सीनेशन का प्रोत्साहन राशि 9 मार्च से नहीं मिलने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एएनएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया और साथ में चेताया कि अगर 3 दिनों के अंदर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वैक्सीनेशन कार्य को ठप कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष प्रभा सिंह के नेतृत्व में एएनएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंची, जहां अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष प्रभा सिंह ने बताया कि वे 3 मुख्य मांगों को लेकर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर अपने कुछ महिला कर्मियों के साथ पहुंची। उन्हें कहा कि कोविड 19 वैक्सीनेशन का 9 महीने बाद भी प्रोत्साहन भत्ते की जो राशि है वो नहीं दिया गया। उनको साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिला, साथ जो बोनस मिलने थे वो भी नहीं मिला। उन्होंने मांग किया कि उनके बकाए प्रोत्साहन भत्ता सहित 3 मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वो 3 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन कार्य ठप कर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी। और मामला हमारा कई है, लेकिन हम 3 मुद्दे को लेकर के आज बात किए हैं। पहला मुद्दा है कि हम लोग 9 महीने से कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और शासन के आदेशानुसार 300 रुपये पर प्रति वैक्सीनेटर हमारी मानदेय है, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन राशि। लेकिन आज तक भी किसी भी मुआवजे ने हमको पैसा नहीं दिया। 3 बार हम सेमो साहब से मिलिए, आज मैंने DM साहब और सेमो साहब को पत्रक दिया। और दूसरी चीज़ है कि अभी शासन का आदेश है कि हमको जो है दीपावली पे बोनस मिल गया, सबका बोनस मिल गया और हम लोगों को अभी तक बोनस नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप अंदर को? बस हमने सेमो साहब से 1 हफ्ते 10 दिन का समय मांगा है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पूरा वैक्सीनेशन का कार्य ठप कर देंगे। संडे को अभी देखिए, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन में, 9 महीना हो गया, हम लोग संडे तक को भी हम लोगों को अवकाश नहीं मिलता है, ना ही किसी रजिस्टर्ड छुट्टी में अवकाश मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग तन मन से काम कर रहे हैं, करने के बाद भी हम लोगों का पावना नहीं मिलता है। हम लोगों में बहुत आक्रोश है, सारी महिलाएं हमारी ड्यूटी पे हैं, हम लोग थोड़ी सी लोग आकर के जो है अपने उनसे संजय साहब से प्रतिरक्षण अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है 8-10 दिन का, बोले हैं कि भाई आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि सेमो साहब बीमार हैं और वह जब आते हैं तो हम बात रखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 10 दिन हम नहीं बोलेंगे, 11 दिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग सारे पूरे जिले का वैक्सीनेशन कार्ड ठप करा देंगे, चाहे जो हम ऊपर कार्रवाई हो उसको हम लोग देख लें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।